तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात, जो 13वीं बार जनता से रूबरू हैं रेडियो के जरिए। आगे बढ़ेंगे। आगरा से खबर है जहां के थाना अचनेरा इलाके के रायभा गांव में बदमाश दो दिन पहले एक एटीएम को उड़ाकर ले गए थे और अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखकर समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये लोग आधुनिक हथियारों से यही कहीं की जो औजार है उससे लैस थे और पुलिस महकमा भी सन्न है। शातिर चोरों की करतूत सीसीटीवी के जरिए आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बदमाश कितनी सफाई से यहां दाखिल हुए और उनके हाथ में गैस कटर था और गैस कटर से इन्होंने बहुत ही क्या कह सकते हैं सफाई से जो बॉक्स होता है जिसमें सारा कैश रखा रहता है उसे ही काट कर अलग कर दिया और महज 15 मिनट इन्हें लगे हैं उस हिस्से को अलग करने में जिसमें पैसे रखे जाते हैं। जबकि एक्सपर्ट कहते हैं कि एटीएम मशीन के अंदर जिस ट्रे में पैसे रखे जाते हैं वो इतनी मजबूत होती है कि उसे काटना आसान नहीं, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि इनके पास जो औजार जो उपकरण होते हैं वो कितने ज्यादा हाईटेक हैं। एटीएम इंडिया नंबर 1 का है जहां पर चोरों ने 23 अक्टूबर देर रात धावा बोला था। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं आगरा से हैं। सीसीटीवी यहां पर लगा था कैमरा, तो बदमाशों को भी जाहिर सी बात इसकी जानकारी रही होगी। तो नकाब मुंह में डालकर आए हैं, नकाबपोशी बदमाश यहां पर आए हैं, कार से आते हैं, उतरते हैं और उसके बाद हाथ में गैस कटर लिए एटीएम के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 15 मिनट का वक्त लगा है ना उस पूरे बॉक्स को एटीएम से अलग करने का, उस पूरे ट्रे को जिसमें कि कैश रखा रहता है। इसके बाद उन्होंने गैस कटर से आराम से उसे पूरे बॉक्स को ही अलग किया जिसमें कैश भरा था और उस कैश को लेकर फिर अपनी गाड़ी से ये फरार हो गए। तो पुलिस अब बड़ी बारीकी से सीसीटीवी फुटेज को देख रही है और उम्मीद कर रही है कि शायद इससे कोई मदद मिले। हालांकि चेहरे जो है इनके पूरी तरह से ढके हैं तो चेहरा पहचाना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी पुलिस चाहे तो काफी कदकांठी क्योंकि यहाँ पर नजर आ रही है इनकी और इलाके में अगर वाकई में एलआईयू यहाँ पर काम करे तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ये तस्वीरें आप देखें कि किस तरह से कैश बॉक्स को यहाँ पर अलग कर दिया गया है।